हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है, ये जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है ये क्यों हम यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए देखते हैं कि ग्राफ आखिर होता क्या है। तो देखिए, ग्राफ जो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। देखिए, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डेटा जो है एक यहाँ पे स्टोर होगा, एक यहाँ पे स्टोर होगा, एक यहाँ पे, कंटिन्यूअस मैनर में यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं होता है। तो इसीलिए ग्राफ जो है यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। और यहाँ पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स, जिसे वर्टिक्स कहा जाता है। देखिए, ये यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ग्राफ है। अब देखिए, हम क्या करते थे, जो ट्री होता है, देखिए ट्री में क्या था, एक होता था। अब देखिए, ये था ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या था, हम इसे क्या कहते थे, नोड कहते थे, इसे नोड कहते थे, ये जो डेटा पॉइंट थे इसे नोड कहते थे। बट जब हम बात करते ग्राफ की ना, तो ग्राफ में इस नोड को जो है वर्टिक्स कहा जाता है। ये जो है ना यहाँ पे, इसे ये जो वाला है वर्टिक्स कहा जाता है। मतलब एक वर्टिक्स है, यहाँ पे एक वर्टिक्स है और एक वर्टिक्स है, नोड को ही यहाँ पे वर्टिक्स कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, एज का मतलब क्या है, एज जो ये वाला है ना, इसे एज कहा जाता है। जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, तो उसे जो रिलेशनशिप दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। एज दैट कनेक्ट पेयर ऑफ नोड्स। तो देखिए यहाँ पे जो इन दोनों को जो कनेक्ट करने कर रहा है ना, उसे हम यहाँ पे एज कहते हैं। ये होता है ग्राफ। अब देखिए, ग्राफ आर यूज टू मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज सोशल नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, सोशल नेटवर्क हो गया, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें हम ये ग्राफ को यूज करते हैं। तो ग्राफ में कुछ चीजें जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती, जैसे कि वर्टिक्स हो गया, तो वर्टिक्स क्या है, ये वाला जो नोड है उसे हम यहाँ पे वर्टिक्स है। तो उसके बाद एज होता है, एज मतलब जो कनेक्टिंग लाइन जो होती है उसे हम एज कहते हैं। उसके बाद इसमें एडजेंसी होती है, एडजेंसी मैट्रिक्स वगैरह जो होता है यहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें अलग अलग पॉइंट्स भी होते हैं, टाइप्स जो होते हैं ग्राफ्स के जो होते हैं ना, टाइप्स भी होते हैं, जिसमें क्या है कि डायरेक्टेड ग्राफ सबसे पहला होता है। डायरेक्टेड मतलब क्या होता है कि ये जो एज है ना, उसमें ही सिर्फ एरो लगा हुआ होता है, उसे मतलब उसका जो डायरेक्शन यहाँ पे बताया होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ए से जो एज निकल रहा है, जो लाइन है कनेक्टिंग लाइन, उसमें जो एरो रहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में, जो यहाँ पे एरो रहते हैं, इस तरह से क्या होता है, उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। देखिए, एजेस हैव अ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे एरो लगाए रहते एजेस में, तो उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और ये अभी जो है ना, इसमें क्या है कि कोई भी एरो नहीं है, देख सकते हैं आप, कोई भी एरो नहीं, तो ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। मतलब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन बताया नहीं है, ये होता है अनडायरेक्टेड। और उसके बाद आता है वेटेड ग्राफ। देखिए, वेटेड ग्राफ का क्या मतलब होता है कि जो ये एज है ना, इसमें कुछ ना वेट रहता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो 5 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, उसमें 7 लिखा है, यार इसमें मान लो कि 8 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने हर एज को एक यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, और उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं एज का। तो इसमें क्या हुआ, अब ये ग्राफ जो है ये वेटेड ग्राफ है। मतलब इसमें हमने हर एज था इसे हमने एक वैल्यू दी, वेट दिया, तो इसके बाद ये वेटेड ग्राफ बन गया। और जिसमें मान लो इसमें कोई भी वेट नहीं दिया, तो ये अनवेटेड ग्राफ है। तो ये टाइप्स होते हैं ग्राफ के। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं बता दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो।